अब तो यहां पर कुछ नहीं है। ये देखिए, यह है लकड़ी का घोड़ा। लकड़ी का घोड़ा दो चीजों को दर्शाता है। एक तो ये राजाओं के बच्चों के खिलाने के काम आता ताकि उनके दिल से घोड़े का डर मिट जाए। दूसरा, यहाँ पे मैडम तापमान 55 डिग्री से ज्यादा पहुंच जाता था। अभी आप आए हो गाड़ी से, उस समय में साधन घोड़ा या बैलगाड़ी था। तो एक कवि ने कहावत कही थी कि घोड़ा कीजे काठ का, पिंड कीजे पाषाण। घोड़ा कीजे काठ का, पिंड कीजे पाषाण, और बख्तर कीजे लोह का, तब देखे जैसा। कि घोड़ा तो कर लो लकड़ी का, जिसे भूख लगे ना प्यास लगे। पिंड कीजे पाषाण, पत्थर का शरीर कर लो गर्मी सहन कर सके। बख्तर कीजे लोह का, कपड़े अपने लोहे के कर लो, मैले हो तो धोने ना पड़े। तब देखे जैसान, जैसलमेर का नाम, जैसलमेर को खड़ी भाषा में जैसान बोलते हैं। राजस्थान का नाम कर्नल टॉड ने दिया राजस्थान। पहले इसको कहते थे राजपूताना। क्या कहते थे? राजपूताना। अब ये कहावत वक्त के साथ हो गई उल्टी। घोड़ा गाड़ी छोड़ के ऊंची भरो उड़ान, और चंद मिनटों में देख लो त्रिकुटगढ़ जैसा। आइए अब आपको दिखा दें 14 सेंचुरी से लेकर 16 सेंचुरी तक की सारी मूर्तियां। प्लीज कम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मूर्तियां आपको दिखाई, ये मूर्तियां कुछ 14 सेंचुरी की है, कुछ 15, कुछ 16। एक नायाब मूर्ति इसमें सबसे एक ही वर्ल्ड में एक ही मूर्ति है, वर्ल्ड में एक ही मूर्ति है श्री राम की, दाढ़ी के अंदर, दाढ़ी में देखिए तथ्यात्मकता का सबूत ये है। वर्ल्ड में एक मूर्ति वनवासी राम की है। 14 वर्ष तक श्री राम ने वनवास लिया था, ये उन वनवासी राम की मूर्ति है दाढ़ी के अंदर। बाकी ये जो बैली डांसर अलग दिख रही है, नृत्यांगना है, अप्सराओं की मूर्तियां है। ये कुछ 14 सेंचुरी की है, कुछ 15, कुछ 16 सेंचुरी की है। ये श्री राम की दाढ़ी में मूर्ति है जो वनवासी राम स्वरूप दर्शाता है। अब चलेंगे आगे ऊपर, दीवाने राम देखने के लिए। काफी अच्छी भीड़ है भगवान जी की मेरे जैसे। प्लीज कम, अगर सर झुका के नहीं आना तो आपको ऐसे आना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी भैया, माइक तो गाइस चलते हैं आगे। अब चलते हैं सर आगे, दीवाने आम देखते हैं। प्लीज माइंड योर हेड, गेट है छोटे। दीवाने आम मतलब कि कॉमन हॉल जहाँ पे सब बैठते थे। वैसे यहाँ पे सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी बड़ा वो गुटके की महक आ रही है, रजनीगंधा या विमल कुछ भी हो सके। तो जैसे हाँ वही कह रहे हैं, रजनीगंधा है या विमल कोई खा के आया है। तो गाइस ऐसी जगह पे आके आप ये सब अवॉइड कर सकते हैं कि पान मसाला गुटखा सिगरेट शराब ड्रग्स। ये है दीवाने आम। यहाँ देखिए इसको कहते हैं दीवाने आम। इधर देखिए दीवाने आम, राजाओं के महल में आपको तीन चीजें बड़ी कॉमन दिखेगी। क्या? दीवान खाना, दीवाने खास और दीवाने आम। दीवान खाना, दीवान का प्राइवेट रूम होता था। दीवाने खास, दीवान की और राजा की प्राइवेट मीटिंग का रूम होता था। दीवाने आम, दीवान के द्वारा राजा से आम जनता को मिलाने का स्थान दीवाने आम कहलाता था। ये रूम आपको सबसे ज्यादा हाइट में लगेगा। ये रूम महारावल सालीवाल सिंह जी का था, तो 3 से 3.5 फीट चौड़े, 7.5 से 8 फीट लंबे थे और 15 किलो घी पीते थे। मैं 300 ग्राम बड़ा सोच
आज से 7 दिन पहले भाव ने वाला चैलेंज किया था, देखो देखो अमूल खाता था, पी गया था, आज तक 27 कितना है ना, हां कीप लो मजबूत बनेगा, हमारी 27 साल हो गई है, आज तक कभी पीछा बर्गर नहीं खाया, ये भी नहीं खाता, हां अब चलते हैं यहाँ पे, आपको दिखेगा दीवाने आम। आपको पता है सर वर्ल्ड में सबसे पहला कैमरा कब बना था, कैसा बताइए, 1895 1895 में, और कांच की बारीक कटिंग का सबसे पहले काम कहाँ हुआ था, बेल्जियम, कहाँ हुआ था, बेल्जियम। कुछ ग्लासेस इसके अंदर जो दिखेंगे आपको बेल्जियम ग्लासेस है, बेल्जियम जर्मनी, हाँ बेल्जियम से लाया गया बेटा। अब चलते हैं जैसलमेर की सबसे ऊंचे पॉइंट, छत के ऊपर, इससे ऊंचे फिर मोबाइल के टावर ही है, तो गाइस जैसा कि भैया ने बताया यहाँ पर लोग राजा महाराजाओं के पास अपनी दरख्वास्त लेके आते थे, तो मैं भी दरख्वास्त लेके आया हूँ कि मेरे मैनेजर को गोली मारनी है, तो राजा जी से दरख्वास्त है कि जहाँ भी मेरा मैनेजर मिले उसे पकड़ के गोली मार दो ताकि उसकी जॉब मेरे को मिल जाए, और मैं तो ये बनाऊँगा राजा जी से कि मुझे थोड़े पैसे दे दे ताकि मैं जॉब छोड़ के फुल टाइम यूट्यूब करूँ। तो अब आगे चलते हैं और आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। गाइस जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि बादशाह हनी सिंह वगैरह ओवरसाइज कपड़े पहनते हैं, तो ये ड्रेस जो है ये यहाँ के राजा पहनते थे, और टू बी ऑनेस्ट मेरे जैसे 6 बंदे आ सकते हैं इस ड्रेस में, अगर आपको लगता है मैं मोटा हूँ तो उनको देख के आप क्या ही कहोगे, मतलब कि दशहरा में रावण जो बनता है उसके साथ ऐसे ऐसे कपड़े होते हैं, और भाई यहाँ पे उनके एक्सरसाइज करने का भी है, भाई देखो आप जो है वो ऐसे ऐसे करते हैं वो सब है यहाँ पर, तो भाई बहुत ही बढ़िया जगह लगी, बहुत मज़ा है, ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए आपको व्यू दिखाते हैं आगे का, भाई इसी जिस पल का आपको इंतज़ार था वो पल मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये है टॉप से व्यू, इससे ऊपर नहीं मैं यही है सबसे अच्छा अच्छा, तो गाइस अभी और ऊपर चलते हैं, अभी बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पर, हवा बहुत बढ़िया आ रही है। ये कौन सा कमरा था भाई, ये सलून की जो बही खाते रहते थे ना, अच्छा अच्छा डॉक्यूमेंट्स वगैरह, इससे पहले वर्ड फाइल नहीं होती थी, गाइस दरवाजा में खोलो अब मेरे अंदर राजा की आत्मा आ चुकी है, अब देखते हैं कि क्या होता है। हाँ तो कौन है, कहाँ है अलाउद्दीन खिलजी बताओ मुझे, चलिए ऊपर आइए, बता रणवीर सिंह का आज भोग दूंगा तलवार, अरे वो गर्दन काट दे, झुक के आना पड़ेगा, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे जैसा पुणे सुपरस्टार होगा, माता जी आपके घुटने से लग जाएगी किसी के, तो ऐसा भैया ने बताया कि सर झुका के जाना पड़ता था, तो राजा भी बोलते होंगे झुक के रहना पड़ेगा क्योंकि मैं अपने में ही खुद एक हीरो हूँ। ओ भाई छत पे आ गए, भाई भाई क्या व्यू है यार, ओ भाई भाई अब यार मेरे शर्ट के बटन खुले, अरे भाई साहब क्या ये तो हेवन लग रहा है। भैया ड्रोन उड़ा सकते, नहीं ड्रोन परमिशन नहीं है, क्या देखिए ये जैसलमेर का किला, ये देखिए पहला गेट है खैप्रोल, क्या ये पहला गेट है खैप्रोल महारावला कै सिंह जी के नाम पे पहला गेट, अच्छा दूसरा गेट है सूर्यप्रोल जिसको तोरण गेट बोलते हैं, पहले गेट से दूसरा गेट नहीं दिखेगा, टन बाई टन बने हुए हैं, पहले गेट से अगर जैसे तैसे करके सेना घुस भी गई अगला गेट मिलेगा नहीं जब तक यहाँ पे बाहर हो जाएगी, तीसरा गेट गणेश गेट उस समय का पहला गेट था वो रहा, चौथा गेट हवा प्रोल, देखिए कहाँ की हवाएं चल रही है, सर्दी है, पूर्वी और पश्चिमी हवाएं, ऊपर देखिए सर्दी के समय में हवाएं चलती है पूर्वी और पश्चिमी, गर्मी के समय में चलती है दक्षिणी और उत्तरी, और ये छत्री आगे राजा का सिंबल है, छात्र यादव पति उत्तर बड़ की बाढ़ भाती।